आवाज दे। और ये भाई मजे लेते हुए कन्वर्टिबल गाड़ी के और मयंक भाई ड्राइविंग सीट पे, चलो लो भी लो। तो गाइस अब रेस हो रही है, रेस देखिए रेस। हो गए चलान, हो गए, भगा लो, बना लो व्लॉग, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा चलाने में, समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे चलानी है, एक बार भगाऊं ना तो फिर मजा ना है। ओ भाई बट रही है भाई। मयंक ने भी इतनी भगाई है, ये तो भागती है लेकिन ये आराम इतनी भगा रहा है इसे, मुझे 200 मैंने ना भगाई आज तक 200। भाई हमारे बाबू भैया की सुपरा और ये हमारे बाबू भैया की हयाबुसा। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia. And guys, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह उठाऊँ, क्योंकि मैं तो सुबह सो के शाम को उठता हूँ, तो आज का दिन हमारा बहुत खास होने वाला है क्योंकि पहले तो होने वाला है हमारा बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट, उसके बाद हमारा वर्कआउट और उसके बाद आगे आप व्लॉग में देखते रहना। तो बहुत सारे भाई हमारे ये कहते हैं कि भैया हमारे पास ना प्रोटीन अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं है, या फिर हम मम्मी पापा डब्बा नहीं दिलाते। तो भाई उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव आ गया है, बहुत सस्ता, बहुत पॉकेट फ्रेंडली, डॉक्टर चॉइस ने लॉन्च कर दिया प्रोटीन ओट्स, जो आपके मम्मी पापा भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके एक सर्विंग के अंदर आपको मिल जाता है 24 ग्राम प्रोटीन, है ना कमाल की बात। जितना एक इंसान 5000 के डब्बे में प्रोटीन ले पा रहा है, उतना आपको स्टार्टिंग प्राइस 299 में एक सर्विंग में प्रोटीन ओट्स में आपको उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, सुबह सुबह थोड़ा सा दूध लेना है, उसके अंदर एक सर्विंग इसकी डालनी है और माइक्रोवेव अवन में रख देना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव अवन नहीं है तो आपने गर्म दूध के अंदर इसकी एक सर्विंग डाल देनी है और 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना। हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ आपको टेस्ट भी मिल जाता है और एक फिलिंग मील भी मिल जाती है सुबह सुबह की। कहते हैं ना ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है पूरा दिन अच्छा जाता है। इसके अंदर किसी तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, किसी तरह के प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी तरह की रिफाइंड शुगर नहीं है, और इसको जो स्वीटेंड किया गया है वो विद जैगरी किया गया है, मतलब गुड़ के साथ किया गया है, तो इसके अंदर कोई भी शुगर आपको नहीं मिलेगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है 40% ऑफ डेली प्रोटीन नीड आपको इससे पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या है, टेस्टेड है बाय 5 top labs ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आते हैं अमीनो प्रोफाइल टेस्टेड है, ग्लूटेन फ्री टेस्टेड है और मैक्रोज टेस्टेड है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके फायदा उठाओ 299 रुपीज़ में 24 ग्राम प्रोटीन का। अब यहाँ से मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ और फिर चलते हैं जिम, जिम के बाद पूरा दिन जो भी होने वाला है वो बने रहिएगा वीडियो में। लव यू। सो गाइस प्रोटीन ओट्स खा के मजा आ गया, अब आ गया मैं वर्कआउट करने, सुबह सुबह का टाइम है और फटाफट वर्कआउट करूंगा क्योंकि आदि भाई आने वाला है हमारा कुछ सरप्राइज लेके मेरे लिए, और वो क्या सरप्राइज होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, मुझे इतना बोला कि सरप्राइज है। तो फटफट वर्कआउट करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर देंगे नहीं, तो जितने भी हमारे भाई हैं प्रोटीन ओट्स खाने के लिए जो सवाल पूछते हैं कि भैया हम जिम नहीं जाते, आप जिम नहीं जाते कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा दादा दादी छोटी बहन छोटा भाई जिसको खाना है वो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करूँगा, मेरा वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। तो भाई वर्कआउट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा चल रहा है कि मिक्स ही कर रहा हूँ, एक हफ्ते मिक्स करूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद दोबारा से वर्कआउट शुरू किया है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो मेरे पुराने भाई हैं, उन्हें तो पता ही होगा जब भी मैं बॉडी बनाने चलता हूँ कोई ना कोई भसड़ मेरी ज़िंदगी में आके मेरी पद्दी पे बैठ जाती है। बट एनीवेज चलती का नाम गाड़ी, कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो जाके सफल होंगे, ठीक है। तो ये हमने करे 2 एक्सरसाइज चेस्ट की, 2 करेंगे शोल्डर की, 2 करेंगे बैक की, 2 करेंगे 1 बाइसेप्स की, 1 ट्राइसेप्स की, अच्छी ठीक है हमारा वर्कआउट होगा। तो भाई ये 2 एक्सरसाइज हुई हमारी शोल्डर के लिए, पंप तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा 1 महीने के बाद का। तो हर एक्सरसाइज के 4 सेट कर रहे हैं, जिन भी भाइयों को वर्कआउट छूट जाए, पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं, एक मसल को इतना ज़्यादा ट्रेन मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा सोरनेस हो जाती है। तो 2 एक्सरसाइज 3-4 सेट बहुत है, बैक की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। तो भाई लास्ट एक्सरसाइज हमारी बाइसेप्स, आदि भाई का कॉल आ चुका है, घर के नीचे पहुंच गए हैं, तो मैं फटाफट इसके 2 सेट मार के भाग रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं क्या सरप्राइज मेरे लिए आया है। ये हम ख़त्म करेंगे, और ये मशीन बहुत इफेक्टिव होती है, सब जिम में नहीं होती है, तो आप इंक्लाइन बेंच पे कर लिया करो थोड़ा सा लेट के, और अपना अच्छे से बाइसेप्स फ्लेक्स करो,
अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो मसल को, ठीक है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और जल्दी हम क्यों उठे हैं वो आपको बता दें। आज हम बहुत बढ़िया एक तो ड्रैग रेस करने वाले हैं और दूसरा एक ना इसकी तो आवाज कुछ भी ना खैर शर्म आ रही है। दूसरी मेरी एक ड्रीम कार है डॉज चैलेंजर। जब मैं फास्ट एंड फ्यूरियस देखता हूँ ना उसमें वो जो गाड़ी का डिजाइन आता है भाई मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ और वो फाइनली मेरे सामने आ चुकी है। इसकी एक तो टेस्ट ड्राइव लूंगा और इसका जो स्टेयरिंग है वो लेफ्ट साइड में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम जा रहे हैं एक्सप्रेस वे पे और थैंक्स टू आदि भाई और ये हमारे भाई हैं ईशान भाई। भाई एक बार ना आवाज सुनवा दो हमारे भाइयों को आवाज का भाई। जब वो पहले गाड़ी दिखा भाइयों को एक बार पता लगने चाहिए मेरी ड्रीम कार कौन सी है। भाई तो वही गाड़ी है और मेरे चलाने की इतनी चुप हो रही है ना आवाज़ दे। तो भाई अब बिना देरी करते हुए लेके भागे से फटाफट दो चार रील बनाए और दो चार ड्रैग रेस करें। चलो भाई चलो भाई क्या गाड़ी है आधी रागर फुल पे जाए भाई क्या गाड़ी है मजा आ गया। पंडित जी इस गाड़ी को दुबई से मंगाने का प्रोसेस पता करो। प्रोसेस तो पता ही पता है कैसे है। 300% टैक्स है। 300% टैक्स है। कितनी पड़ेगी। अच्छा मतलब वो होना चाहिए 6 महीने के लिए। नहीं 6 महीने मंगाई 6 महीने बात करती ना मैंने बता रहा था इन्हीं भाई से। मेरे को ऐसी बताया भाई। अच्छा चलो ये भी ठीक है और बाकी अभी रुक के दिखाएंगे गाड़ी तरीके से। अब मैं इंतजार नहीं कर पा रहा कि कब मैं पंजा रखूं इस गाड़ी में। दिल ही खुश हो गया देख के गाड़ी मेरा। मैं मतलब मैं इस गाड़ी का बहुत बड़ा फैन हूं। लुक ही हरामी वाला गाड़ी का। लेफ्ट हैंड ड्राइव है। हां तो भाई फाइनली बैठ गए डॉज चैलेंजर के अंदर भाई के साथ हमारे और ये है भाई इसका इंटीरियर। ओ बाबा भाई 6000 cc इंजन है इसका और ये पीछे भाई 4 लोगों की है 4 सीटर गाड़ी है और इसके पंजा रखने को मैं बहुत बेकरार हो रहा हूँ। आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि इसका जो ये कॉकपिट है वो थोड़ा सा मेरी तरफ टिल्ट है। आपकी तरफ है। गाड़ियाँ जो होती हैं वो ड्राइवर डेडिकेटेड कार्स होती हैं। ओके हल्का सा टिल्ट होगा दिख रहा है सीधा होता है इसमें आपकी तरफ है। ठीक है चला दो गाड़ी। तो भाई देखो अभी थोड़ी सी स्पीड दी जाएगी। ओ भाई ओ भाई मुझे बता नहीं तुम्हें आवाज आ रही है नहीं आ रही है इसकी लेकिन मुझे ऐसे लगा है। हंड्रेड पहुंच गए थे। कितनी जाती है 290 भाई धीरे चलाया करो यार कहां है। फील ही नहीं हो रहा ना गाड़ी भाग रही है। इसमें 200 में भी आपको फील नहीं होगा। अच्छा पटाके सुने आपने। तो भाई जैसे कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है और मैं राइट में बैठा हूँ तो मेरे बार बार ब्रेक पे बैठ जा रहा है। पटाके सुनाना भाई। बुलेट में तो बहुत पटाखे सुने होंगे आपने लेकिन इंडिया के अंदर 2.5 करोड़ की गाड़ी में ये 2.5 करोड़ की पड़ी है ना आपको। तो भाई आगे चल के देखते हैं इसके पंजा रख के रेस पे। 6000 cc गाड़ी मैंने तो चलाई नहीं कभी। तो आज आप तो दुबई गए थे ना बीच में। मैं कहाँ गया कभी नहीं गया मैं दिल्ली NCR के बाहर कभी लाइफ में निकला। भैया आदि भाई की ब्लॉगिंग फुल लॉन्च चल रही है और ये भाई मजे लेते हुए कन्वर्टिबल गाड़ी के और मैंग भाई ड्राइविंग सीट पे और आदि भाई पूरा मजा लेते हुए। चलो देव रेस और क्या। चलो यहाँ से ऊपर। हाँ ऊपर लो भी लो।
देखिए रेस। ये आगे निकल गई, आगे 180 दौड़ रही है, 180। तो भाई क्या मजा आया दोनों गाड़ियां भगाने में। मेरा तो भगाने का काम है नहीं, अपन चलाते धीरे। मयंक पंडित ने गाड़ी भगाई है और भाई इन्होंने भगाई है, मुझे लगा चलान वाली गाड़ी भी आ गई। नहीं, कौन सी है ये? फोटो खींचना है, हटियो जरा फ्रेम देखूं। ओ भाई क्या बात है, हो गए चलान, हो गए, करवा दे चलान, ठीक है, और भगा लो, बना लो व्लॉग। अरे कहाँ रह गए भाई, आ रही ना है आरी गाड़ी पीछे। मालिक क्या बात बिगड़ी, अंकल तो कुछ बोले ना, फोटो से खींच के ले, कुछ बात ही ना कर रहे। तो ये तो ऑनलाइन आ भी जाए, दुबई नंबर चलान कहाँ आएगा, चलान कहाँ आएगा, चलान साल ले देगा मेरा ही हो है। उसका तो अभी आ लेगा, नंबर प्लेट रखी अंदर करवाऊंगा। तो भाई सारे देखो उधर, इतने सारे भाई फोटो खिंच गए, इधर ये भाई भी आ गए। अब जरा हमने कितनी सक्सी रील बनाई। अरे वो वाला भाई जो इंस्टाग्राम पर आएगा ना मजा आ जाएगा। एक भाई 1 किलोमीटर दूर गाड़ी लगा के आ गया पैदल पैदल। कौन जूम ही ना ले रहा इतना, वो रही वो ऑडी खड़ी रही इतनी दूर, भाई वो लगा के आ गए। कह रहे भाई मैं निकल गया, लेकिन बाद में पता लगा शायद राजवीर और आदि भाई हैं। तो एक बार मैं कंफर्म करने आया हूँ, गाड़ी लेने जा रहा हूँ, अरे गाड़ी लेके आ रहा हूँ। अच्छा ये शान अच्छा, आईडी भी बताई दो लगे हाथ अपनी प्रपोजल। यूट्यूब पे द बिग डील, अच्छा, और इंस्टा पे SHON। ठीक ठीक ठीक, ओके भैया फॉलो कर लेना सारे भाई भाई को। भाई जल्दी जल्दी दिखते रहेंगे, अब बढ़िया बढ़िया कार कंटेंट लाएंगे, अच्छी अच्छी कार्स दिखाएंगे, अच्छा अच्छा ड्रिफ्ट वाला कंटेंट लाएंगे आपके लिए। इनको बॉडी बनाने से टाइम मिल जाएगा तो फिर ये मेरे पास आ जाएंगे। मैं तो बॉडी बनाता ही नहीं भाई, ये जितनी है उतनी है। तो भाई जब से मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी है ना, मेरा ड्रीम था ये गाड़ी चलाने, आज फाइनली मेरे हाथ में आई है। तो भाई इसके थोड़े से मजे ले लूं, ले दे के हाथ में स्टेयरिंग आया है और ये हमने लगाया ड्राइव मोड पे और ये चल दी है हम। अब देखें भाई, क्योंकि लेफ्ट एंड ड्राइव है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा चलाने में, समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे चलानी है, और एक बार भगाऊं ना तो फिर मजा ना है। ओ भाई फट रही है, सेंटर सीट पे बैठ के किसकी नहीं पड़ती भाई, ये पता ही नहीं लग रहा 150-150 कैसे जा रही है, बहुत प्यार से जा रही है, पता ही नहीं लग रहा गाड़ी क्या स्पीड पकड़ रही है। और वो पीछे आ रहा ना मयंक, वो भी पूरा ड्राइवर है, भगाता हुआ आ रहा है। भगा क्या भगाई है उसने, आदि भाई के ब्लॉग में देखना क्या मर्सिडीज भगाई है उसने। गाइस इनको मजा आ रहा भाई, दूंगा इनको दे दूंगा अकेले, या आप मुझे मर्सिडीज में आ रहे तो आप गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। जो मतलब लवली भाई लवली, आज मुझे पता चला कि पैसेंजर सीट पर बैठ के कैसा लगता है यार। तो अभी मैं आते टाइम क्या कर रहा था, गाड़ी आप भगा रहे हो, ब्रेक मैं मार रहा हूं उधर बैठे बैठे, मैं यहां ब्रेक मार रहा हूं गाइस देख रहे हो। लवली यार लवली, मजा आ गया। ये लट किसका पड़ा हुआ है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। तो भाई बहुत मजा आ रहा है, मैं जरा ड्राइव एंजॉय कर लूं गाड़ी की, लोग यही खत्म करेंगे, और खत्म नहीं करेंगे मतलब बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, मैं मजे ले लूं यार, हर चीज व्लॉग नहीं है, मुझे बहुत मजा आ रहा है यार। तो भाई गाड़ी चलाने में आ गया बहुत मजा, और मयंक ने भी इतनी भगाई है, ये तो भागती है लेकिन ये हरामी इतनी भगा रहा है इसे, मुझे 200 साढ़े मैंने ना भगाई आज तक, ये 200 कंजर। और भाई मजा आ गया, भाई बहुत डर गए, भाई कह रहे भाई पहली बार किसी के हाथ में गाड़ी दी है, और क्या कह रहे हो, कह रहे पहली बार भाई आपने गाड़ी चलाई और गांड फट गई। तो भाई ऐसा है, अभी भाई के जाने का टाइम आ गया है, अब हम अपनी गाड़ी में बैठे और चले, बहुत मजा आ गया यार, बहुत लवली क्या बात है। तो भाई ये भाई का इंस्टाग्राम है, सारे भाई इस पे फॉलो कर लेना भाई को। A few moments later. तो भाई गाड़ियां भगाते भगाते एक भाई आया हमारा फोटो खिंचवाने रोड पे ऑडी में,
जब मुझे याद आया बहन जो मेरी ऑडी कहाँ है, फिर मुझे याद आया कि मैंने ऑडी दी हुई है भाई रोलिंग व्हील्स पे, उसका कलर चेंज होने, कलर कैसा करवाया वो तुम देख लेना अभी, वो भी आपको दिखाते हैं। तब मुझे याद आया, मैंने कहा यार उनके फोन आए पड़े एक हफ्ते से कि भैया गाड़ी ले जाओ, बहन जो गाड़ी कहाँ है, फिर मुझे याद आया मैंने मेरी गाड़ी वहाँ पड़ी है, तो भाई गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसका कलर चेंज करवा दिया, व्हाइट गाड़ी में मजा नहीं आ रहा था मुझे थोड़ा सा, तो कलर क्या हुआ कैसे हुआ वो सरप्राइज आपके लिए, चल के देखना और बताना कैसी लग रही है। तो भाई फाइनली दोपहर से हो गई शाम और हम आ गए रोलिंग व्हील्स पर हमारे भाई के पास, और देखते हैं हमारी जो गाड़ी है वो कैसी लग रही है। व्हाइट कलर से मैं बोर हो गया था यार, और व्हाइट मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है, ले लिया था क्योंकि गाड़ी पसंद आ गई थी, परफॉर्मेंस पसंद आ गई थी। तो अब चलें, ये हमारे सुरेश भाई हैं रोलिंग व्हील्स के ओनर, जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। क्या हाल है भाई जी? तो भाई ये हमारे सुरेश भाई, सुरेश अरोड़ा जी, रोलिंग व्हील्स के ओनर, और इन्होंने गाड़ी हमारी बहुत बढ़िया कर दी है। वीडियो कॉल पर मैं देख चुका हूँ, आपको ब्लॉग में दिखवा देते हैं। और भाई का जो नेचर है, भाई का जो सम्मान देने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और हमें मलिक भाई ने मिलवाया इनसे, तो मलिक भाई को भी थैंक यू, फ्यूजन करवाने जो भाई हमारे, और सुरेश भाई को तो थैंक यू है। ठीक है, गाड़ी दिखवा दो भाई कैसी करवाई है। तो भाई ये हमारे बाबू भैया की सुपरा, और ये हमारे बाबू भैया की हायाबुसा, और वो हमारे बाबू भैया की हाइलक्स। ये किस लिए आई है भाई? अच्छा, तो भाई फाइनली अब हमारी छोटी सी टमटम दिखाएं आपको, ये हो गई हमारी गाड़ी तैयार। और गाड़ी भाई मुझे ब्लैक होके बहुत खूबसूरत लग रही है, क्योंकि हमारे पंडित ने बोला हुआ है काली गाड़ी नहीं खरीदनी, लेकिन व्हाइट को तो काली करवा सकते हैं, बेस तो व्हाइट ही है। तो भाई गाड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रही है, और भाई ने जो काम करवाया वो बहुत ही प्रीमियम है। ये ब्लैक पीपीएफ कराई ना भाई? देखो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की, मैंने मेरा कंसर्न ये था कि गाड़ी मुझे ब्लैक होके चाहिए और ग्लॉस होके चाहिए, जैसे शोरूम से बिल्कुल नई ब्लैक गाड़ी मैंने ली हो। तो भाई वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि और रैप भी तो कुछ होती है ना? रैप होती है, बट पीपीएफ उससे ज्यादा एनहांस्ड प्रोडक्ट है। अच्छा, तो भाई अब आप कमेंट करके बताना कि हमारी जो ऑडी थी व्हाइट वो ब्लैक होके कैसी लग रही है। तो भाई गाड़ी देख के मुझे तो मजा आ गया, थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू सो मच। जैसी उम्मीद थी, जैसी तारीफ सुनी थी आपके बारे में, उस पर बिल्कुल आप खरे उतरे, और दिल खुश हो गया सच में। तो जिसको भी हमारे भाई को कोई भी रैपिंग करानी हो, कोई भी पीपीएफ करानी हो, गाड़ी का कलर चेंज कराना हो, रोलिंग व्हील्स आना बिल्कुल भी मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी डाल दूंगा, फोन नंबर भी डाल दूंगा, और भाई फोन करके ये मत कहना राजवीर भैया से बात करवा दो, क्योंकि नंबर इनके पास भी मेरा नहीं। ठीक है, मैंग वाला नंबर, उससे बात हो जाएगी, कभी फोन करके तंग कर दो कि राजवीर भाई से बात करनी है, तो इनके पास मेरा नंबर नहीं है। इंस्टाग्राम पे मुझे पहुंचो, मेल पे पहुंचो, लेकिन भाई का नंबर डाल दूंगा, किसी भी भाई को हमारे आना हो आओ, भाई हमारे नाम का डिस्काउंट दे दोगे थोड़ा बहुत? बिल्कुल डेफिनेटली, पक्का? ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। जिसको गाड़ी में जो भी काम कराना हो, मस्ट विजिट रोलिंग व्हील्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में भाई।